हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, जैसा कि हमने टैब की पहले दो वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो में हमने अनबॉक्सिंग की थी और दूसरी वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से इंटरनेट से कनेक्ट करते ही सारी की सारी ऐप्स जो है वो इस टैब से चली गई थी और सिर्फ अवसर, दीक्षा और एक ये ऐप रह गई थी। ठीक है, अभी आप देख सकते हो इस टैब में से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं से इवन सेटिंग में भी नहीं जा पा रहे हैं, इसकी आप सेटिंग तक नहीं देख पा रहे। तो आज इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता चली है कि आप इसकी सेटिंग में कैसे जा सकते हो, आप इसको वाईफाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हो और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, डेवलपर मोड में कैसे जा सकते हो, ये सब चीज़ें के बारे में कुछ पता चला है तो वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इसकी सेटिंग में जाना है, आपको जो ये पावर बटन है इसको होल्ड करके रखना है। जैसे ही आप पावर बटन को होल्ड करेंगे, यहाँ पर लिखा आएगा साइड की सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद क्या है, ओपन ऐप स्टूडेंट कियोस्क के साथ में सेटिंग का एक बटन है, उस पर क्लिक करना है। आपके पास बहुत सारी ऐप्स सामने आ जाएंगी, अवसर, बायजूस, कैलेंडर, क्रोम, क्लॉक, कॉन्टैक्ट, बहुत सारी आ जाएंगी। अब आपने इस पर क्लिक करना है सेटिंग पे, तो आप देख पाओगे कि ओपन सेटिंग में अब सेलेक्ट हो गया है सेटिंग। उसके बाद आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब जब आप पावर की को दबाओगे दो बार, लॉक खोलने के बाद पावर की को अगर आप दो बार दबाओगे तो आपके सामने सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेटिंग ओपन करने का तरीका था। अब आपको क्या है कि अगर आपको इसको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो आप कनेक्शन में जाएं, कनेक्शन में जाके आप वाईफाई को सर्च करें। ठीक है, मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ एक वाईफाई से। तो अब आप देख पा रहे हो कि आपके सामने जो है सेटिंग के अंदर एक मेरा जो खुद का फ़ोन का हॉटस्पॉट था वो कनेक्ट हो चुका है, तो यानी कि अब आपका टैब जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप बैक जाएं और सेटिंग में आप क्या क्या देख सकते हैं, तो वो सिंपल एक फ़ोन का जैसे इंटरफेस होता है, यूआई होता है, वैसे ही आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल एक एक ऐप, बायोमेट्रिक, सिक्योरिटी, स्क्रीन लॉक, नोटिफिकेशन, गूगल, एडवांस सेटिंग, ऐप्स, जनरल मैनेजमेंट, एक्सेसिबिलिटी, सब कुछ, सॉफ्टवेयर अपडेट, तो ये सब चीज़ें आपके सामने आ रही है। इवन डेवलपर मोड भी इसमें खुल गया है। अगर डेवलपर मोड आपको इसमें ओपन करना है तो आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अबाउट टैबलेट में जाके, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाके आपको बिल्ट नंबर जो होता है इस पर 3-4 बार क्लिक करना है और नीचे लिखा हुआ आएगा नॉन, आपका नहीं स्टार्ट होगा तो लिखा आएगा डेवलपर मोड जो है वो ऑन हो गया है। अगर ऑन है तो ये लिखा आ रहा है नो नीड, डेवलपर मोड हैज़ ऑलरेडी बीन अनेबल्ड। तो इस प्रकार डेवलपर मोड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐप्स का भी ऑप्शन है, तो इस ऐप्स में जाके आप देख सकते हो कि इस फ़ोन में कौन कौन सी ऐप्स हैं, किस किस फ़ोन को आपको इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है। तो जैसे ये किसी ऐप को फोर्स स्टॉप करना है तो फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, बट ये जो ऐप है इसकी वजह से ये सारा कंट्रोल हुआ है, इस ऐप को आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और फोर्स स्टॉप मैंने करके देखा कि गवर्नमेंट डिवाइस है तो अभी इसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ से आप मतलब सेटिंग तक पहुँच सकते हो। मेन मकसद था कि आप इस फ़ोन की सेटिंग में नहीं जा पा रहे थे तो इस फ़ोन की आप सेटिंग में जा सकते हैं इस तरीके से। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि आप इस फ़ोन की सेटिंग तक आप कैसे जाएंगे, तो इस प्रकार से जा सकते हैं। इस एक बार मैं प्रोसेस थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ कैसे था कि सबसे पहले आपको पावर की को होल्ड करना है। पावर की को होल्ड करने के बाद नीचे आता है साइड की सेटिंग, साइड की सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद ओपन ऐप पे लिखा आया है तो इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये स्टूडेंट कियोस्क सेलेक्ट होगा, इसकी जगह आपको सेटिंग को सेलेक्ट कर लेना है।
जब आप सेटिंग को सिलेक्ट कर लोगे फिर बैक कर लेना। अब क्या होगा जी, ये जो पावर बटन है इसको आप जैसे ही क्विकली दो बार दबाओगे सेटिंग ओपन होगी। तो ये सेटिंग में जाने का तरीका था। थैंक यू। आगे इस टैब में और क्या क्या हो सकता है जैसे जैसे पता लगेगा शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।